सहरसा के एक युवा है, शायद इनका नाम मिथुन कुमार है, जिनका कि प्रेम प्रसंग में शादी हुई थी और शादी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को जॉब के लिए फ्री किया, मतलब पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम दी। इनकी मजबूती को जरा आप देखिए, 7 महीने की मजबूती 7 लाख रुपए की हो गई, और इन 7 महीनों में क्या मोहनी मंत्र मारा गया था। मनुष्य का निर्माण एक दूसरे से मेलजोल के लिए हुआ है, मानव जाति के लिए हुआ है, लेकिन ऐसे में छल और बदलाव आज के समाज का बहुत बड़ा अभिशाप बन के रह गया। इसी के साथ ये वाक्या हुई है, जिन्होंने अपनी पत्नी पे विश्वास किया, उनको नौकरी दिलाई, उनकी पत्नी ने इन्हें छोड़ दिया है। तो हम इनसे ही बातें करते हैं कि आखिर ये घटना किस प्रकार से हुआ और इसके पीछे वजह क्या है कि आज इनका जो शादी हुआ था वो टूटने के कगार पे बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। आपकी एक खबर लगातार सोशल मीडिया पे आ रही है कि आपकी पत्नी ने आपको धोखा दे दिया। जी सही है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? हरप्रीति कुमारी। हरप्रीति कुमारी, वो आपकी पत्नी है जी। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? फील्ड के दरमियान हुआ, वो भी तैयारी करते थे, हम भी तैयारी करते थे। आप भी तैयारी करते थे? जी जी। कितने दिन से आप दोनों एक दूसरे को जान रहे थे? मोटा मोटी 6 महीना तक साथ में रहा। जान पहचान कितने दिनों तक चला आपका? जान पहचान तो 3-4 महीना चला, उसके बाद साथ में रहने लगे हम लोग। अच्छा, उसके 4 महीना का मतलब आपका पहचान था? जी जी, 4-5 महीना पहचान हुआ, उसके बाद 4-5 महीना हम लोग रूम लेके रहने लगे नया बाजार। जी जी, शादी से पहले। इन रिलेशनशिप? नहीं, उसके घर पे उसके माँ बाप के सामने हम सिंदूर दे दिए थे, उसका माँ बाप भी सब समझ गया शादी करेगा अब। कौन दिया था? आप दिए थे? नहीं, रूम वही खोजा था, लड़की खोजा था। तो फिर क्या हुआ? सब कुछ हुआ तो वो हमको बोला, जो हम सेटिंग कराए हैं बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में, तो हमको 2 लाख रुपया चाहिए। तो हम बोले हम कहाँ से देंगे, तो मैंने माँ बाप से मांगो, तो बोला आपके साथ रहेंगे तो आप ही ना दीजिएगा आप। तो हमको लगा जब पत्नी हो गया तो हम पैसा दे दिए, तो हमारे पास तभी जो 2 लाख रुपया था तो हम उसको दे दिए। 2 लाख रुपया दे दिए? जी जी। तभी शादी का हुआ था आपका? शादी से मतलब शादी हुआ, शादी से पहले हम दिए पहले पैसे। शादी से पहले 2 लाख रुपए? जी जी, शादी से पहले 2 महीना पहले से उसको जानते थे। जी जी जी। क्या माँ बाप पे भरोसा करना मुश्किल होता है? 4 महीना में आपने इतना भरोसा कर लिया कि उसको 2 लाख रुपए आपने दे दिया? हम दे दिए, मतलब हमको लगा जब साथ में रहेगा तो हम इसीलिए दरमियान दे दिए उसको। देने के बाद वो शादी भी किया, ऐसा थोड़ी शादी ने किया, शादी किया उसके बबाद जब शादी हो गया तो हमको फिर बोला जो हमको 5 लाख का जरूरी है। शादी के बाद कितने दिनों के बाद? शादी के मोटा मोटी 2 दिन के या 3 दिन के बाद बोला हमको 5 लाख। बोलती है कि हमको 5 लाख और? जी जी। तो बोला हम बोले कौन चीज़ में लगेगा, तो बोला मैरिट में जो है हम काम करवाए हैं एग्जाम, अच्छा उसके बाद फिजिकल में उसमें हमको पैसा लग रहा है। तो बोले ठीक है, नौकरी करने के लिए फिजिकल में पैसा लग रहा है? जी जी, मतलब एक तरह से घूस कहा जाए। जी जी जी। अच्छा। तो बोला हम पूरा सेटिंग करवाए हैं, 7 लाख 7 से 8 लाख हम ऐसे बोला, 7 से 8 लाख रुपया हमसे मांगा गया। तो बोले सेटर जो भी है उससे बात कराओ, तो हमसे बात नहीं कराया। तो एक बार उस सेटर का फ़ोन आया था, हमको उसी के नंबर पे फ़ोन आया और हमसे बात कराया। तो हम बोले क्या मैटर है, तो बोला काम आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहिए और पैसा का जुगाड़ कर लीजिए। इसी दरमियान हम अपना ज़मीन था जो गार्जियन सबको बोले, उसका भी गार्जियन सब एग्री था सब, तो अपना हम जाके ज़मीन बेच दिए। जी, 7 धूर। 7 धूर ज़मीन बेचे? कितना में? 7 धूर बेचे, 6.5 लाख रुपया दिया। 6 लाख रुपया दिया था। उसके बाद? उसके बाद 5 लाख रुपया उसको दे दिए। देने के बाद फिर क्या हुआ, जो पैसा बचा उसी के शादी में कहा कि तिलक तो हम 1 रुपया भी नहीं लिए, हाँ बिना पैसा का ब्याह किए। उसी के दरमियान उसका ट्रेनिंग में जो भी खर्च लगता था, जितना भी खर्च लगता था पर महीना, अगर 10-15 हज़ार लगता था तो पर महीना हम बेचते, और उसके लिए हम बेंगलोर भी चल गए कमाने के लिए कि गार्जियन से हमको नहीं मांगना पड़े। मतलब आप यहाँ से बेंगलोर चले गए? जी जी। अच्छा। जो पैसा उसको भेज सके। उसके बाद इसको जब पैसा उठा तो ये नाटक करने लगे। आज जब एक बार हम कॉल किए थे बेंगलोरे से, तो कहे उस टाइम हमको मेरे पास छोटा मोबाइल था, बड़ा मोबाइल जो मेरा हमारे पास था हम उसको दे दिए थे। मतलब सैलरी उठा तब आप फोन किए उसको? नहीं, उसको सैलरी उठा था तो हम फोन किए थे, जो पैसा उठा तो बात करते थे, तो हमको बोला नहीं उठा है, हाँ सैलरी उठा उसको, तो बोला हमको नहीं उठा सैलरी, तो हम कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या किए, उसको फ़ोन किए, तो हमारे पास छोटा मोबाइल था तो बड़ा मोबाइल उसको हम दे दिए जो हमारे पास था। तो उसको फ़ोन किया तो कोई दूसरे लड़का उसका फ़ोन उठाया, लड़का बोल रहा इस नंबर पे कॉल नहीं करना। हम बोले काहे, तो बोला हम बोले काहे नहीं करेंगे, मेरा पत्नी है तुम कॉल नहीं करेंगे? बोला नहीं, तुम्हारा पत्नी नहीं है तुम कॉल नहीं करेगा। इसी दरमियान हमको गुस्सा उठा तो हम उसको गाली दिए, बोले अगर इस तरह का बात होगा तो दूसरा लड़का उठाया था। जी जी। अच्छा। तो इसी तरह का हम बात उसको गाली गलौज सब कुछ, गुस्सा में तो दे देता है ना आदमी, गाली देना लगे। हम बोले अगर इस तरह का बात होगा तो छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमको असर लग रहा है तो मेरा पैसे दे दो अपना चले जाओ।
डिवोर्स वोर्स हम देने का बोले जो कम से कम डर जाएगा तो स्थिर रहेगा, शांत हो जाएगा, समझ जाएगा, तो नहीं समझा। फिर जब हम आए वहाँ से, वहाँ से हम चल दिए बेंगलोर से, जब आए तो गए हम ट्रेनिंग सेंटर, तो एक बार मिलने के लिए जब गए तो हमको बोला हम इसको नहीं चिन्ह रहे, हम नहीं पहचान ना ये कौन है, नहीं हम नहीं पहचान। वहाँ से फिर हम चल आए, आप चले आए वहाँ पे और भी पदाधिकारी जन होंगे आप जी जी नहीं नहीं वहाँ हम बोले तो मेजर तेजर जो भी था बोले तो बोला यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम दोबारा फिर गए तो वहाँ दोबारा जी 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 दोबारा गए, उस वही था जो एक मेजर का नाम ले रहा था, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। वो मेजर हमको बोला चलो, हमको ले गया रूम और रूम में ले करके पूछताछ किया तो हमको बोला क्या दिक्कत है, बोले दिक्कत कुछ नहीं, इसका लैंग्वेज ख़राब है। इसी दरमियान वो क्या क्या उस लड़की को लाइन पे ले करके बात कर रहा था और बोला हमको तुम चले जाओ, और लड़की को बोल रहा हम इसको भगा देते हैं तुम चले आना रात में, इस तरह का बात वो बोला। तब मतलब हम इसको भगा देते तुम रात में चले आना, तो हमको फिर गुस्सा उठ गया, तो उस पर हम फिर उसको गाली गलौज करने लगे वहाँ से, हाँ मेजर को नहीं लड़की को। उसके बाद मेजर हमको धक्का मुक्की मार करके वहाँ का सिपाही के सामने में आपकी पत्नी को बोलता है कि तुम रात को चले आना। जी 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 अच्छा आपको सुन के कैसा लगा उस समय? उस समय तो इतना फिर थी हुआ जो वही उसी समय ना हम फिर गाली देना शुरू कर दी, उसके माँ बाप सबको हम गाली दिए जो सुधार लो नहीं तो मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तब पर भी उसका माँ बाप बोल रहा हम ऐसे करेंगे, मेरा बेटी 1000 बार ब्याह करेगा, ये करेगा वो करेगा। मतलब लड़की का माँ बाप बोलता है कि मेरा बेटी 1000 बार ब्याह, हाँ उसको शर्म नहीं आया इस बात को बोलने? शर्म क्या आएगा, उसका माए दो को ब्याह कर लिया है तो शर्म क्या आएगा। अच्छा उसका माए दो को ब्याह कर लिया। जी जी अच्छा तो लड़की का क्या पहले भी शादी हुआ था? जी इससे पहले भी एक शादी। उसका जो संबंध था वो क्यों टूट गया? उसका संबंध यही तो रहा था, यही छोड़ा उसका। आपको जब आपकी शादी हुई थी उससे पहले आपको लड़की के बारे में पता था जो उसका शादी हुआ था? नहीं नहीं हमको शादी के 2-4 दिन के बाद बोला ये बात, तो हम किसको बोलते उसके बाद। आपका जो मुलाकात हुआ था आप उससे मिले थे जाकर या फिर वो आपसे कांटेक्ट किए थे? नहीं नहीं वही हमसे मिले थे, वही हमको फर्स्ट टाइम घर ले गई थी। घर ले गई थी तो बिना बात का कोई घर कैसे ले जाएगा? मतलब फील्ड पे जैसे कैसे बना था? फील्ड पे मिला ना तो फील्ड के दरमियाने वो हमको सब कुछ बोला। फील्ड के दर मिला तो आप उसको टॉक किए थे फर्स्ट? वही 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 टॉक जी जी। मतलब एक बकरा उसको मिल गया था जिसको हलाल करना जी जी, चाहे इसको हलाल करने के लिए बीच में जितनी भी रिश्ते को तार तार कर दिया जाए उतना ही कम जी। और लड़की खुद बोल रही है हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे। अच्छा मतलब खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार जी जी। अच्छा एक बात बताइए, पदवी एक बैच मिल जाना क्या दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है? एक दुनिया का पवित्र तोहफा पति होता है जो कि हर सुख दुख में पत्नी का साथ देती है, तो क्या उसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए, के लिए एक नौकरी के लिए वो इस तरह से कर रही है? वो बोल रहा है हमको पैसा और नौकरी से प्यारा कुछ नहीं है। सुख का प्यार किस हद तक गिर सकता है ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। बिहार में आरती और छोटू का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, तरह तरह की मीडिया वहाँ पहुँच रही है, लेकिन ऐसे मामलों को देखने वाला कोई नहीं है। और आज भी आरती का प्रेम प्रसंग लग रहा है अमर हो गया, इस तरह से लोग उसको बढ़ा चढ़ा के ला रहे हैं। कुछ महीनों का प्यार था आरती का जिसके लिए छोटू ने अपनी जानों की आहुति दे दी। इसके बाद आरती कहती है कि हम आरती छोटू की विधवा बन के रहेंगे। जहाँ एक तरफ आरती का उसके साथ किसी भी प्रकार से पति पत्नी का संबंध नहीं था, उसके बाद भी लड़की छोटू के घर में जाके रहती है, लेकिन यहाँ तो मामला शादी के बाद का है। पत्नी बनने के बाद, पवित्र रिश्ता में बंधने के बाद एक कलयुगी लड़की का अपने पति को छोड़ देना और नौकरी के लिए किसी भी हद तक गुजरना, ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसी घटना अगर बिहार में ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तमाम जो बिहार के पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले के हो, बहुत सारी समस्याओं पे जब दबाव बनता है तो मामले की छानबीन तहकीकात बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मामला जब कुछ इस तरह का आ जाता है जिस पे सामने वाले में थोड़ी सी भी कमजोरी नज़र आती है तो उस मामले को दबा दिया जाता है। ऐसे में सहरसा की घटना है, मिथुन जी हमारे साथ हैं, इन्होंने सहरसा के SP को लिखित आवेदन दिया था। मामले के बीते हुए लगभग 10 से 15 दिन का समय हो गया, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है हम इस मामले में बात करेंगे कि आखिर सहरसा के की जो प्रशासन व्यवस्था है अभी तक क्या कर रही है, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस केस में? कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई कुछ नहीं ले रहा है। अच्छा आप गए थे मिलने के? जी जी SP के पास गए, SP बोला ये यहाँ का केस नहीं है, जबकि हम यहाँ का केस नहीं, यहाँ का आदमी तो हम है, यहाँ का अस्थायी तो है यहाँ। अगर हम वहाँ पे समस्तीपुर में जाके कुछ करेंगे तो एक यहाँ का सिपाही हमको नहीं पकड़ेगा? जरूर पकड़ेगा। हैं वहाँ पे कोई घटना कर दिए या कुछ कर दिए तो यहाँ का सिपाही नहीं पकड़ेगा इसका मतलब? तो काहे ने मेरा केस लिया, काहे ने सब कुछ लिया? बोला यहाँ का कुछ नहीं है। आखिर लेना चाहिए ना, प्रूफ होना चाहिए ना, इसका मतलब है प्रशासन प्रशासन का सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक मरना चाहिए, पब्लिक को मर जाना चाहिए। जब प्रशासन प्रशासन का सपोर्ट कर रहा है तो पब्लिक को ही आतंकवादी बनना चाहिए।
पुलिस मतलब प्रहरी, प्रहरी का निर्माण लोगों की रक्षा करने के लिए हुआ था, लेकिन आज जो प्रहरी पुलिस है वो लोगों की रक्षा नहीं, खुद की स्वामित्व के लिए जॉब करते अपनी कार्य को करते हैं। मामला जब बड़ा और पेचीदा होता है तो थोड़ी बहुत सुनवाई होती है, अगर छोटे मामले आते हैं तो उसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आज की प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। अगर बिहार का कोई व्यक्ति बिहार से बाहर जाके क्राइम कर देता है और इस मामला की पुष्टि हो जाती है कि फलाना व्यक्ति फलाने जगह से आके क्राइम कर दिया, तो बाहर की पुलिस चाहे वो दिल्ली हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मतलब बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य की पुलिस उसके घर तक पहुंच करके या फिर स्थानीय पुलिस की मदद लेकर के क्रिमिनल को या फिर जिसने घटना को अंजाम दिया उसे पकड़ लेती है। लेकिन सहरसा की पुलिस, सहरसा के पदाधिकारीगण का ये कहना है कि मामला यहाँ का नहीं है, मामला समस्तीपुर का है। आखिर प्रशासन की क्या व्यवस्था है कि प्रशासन एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती है, मामले को जानबूझ करके लिपा पोता जा रहा है या फिर प्रशासन नाकाम नज़र आ रही है। इतनी बड़ी घटना है और शादी तो दूर, इस जॉब के पीछे पैसे की बात है। अगर एक तरह से देखा जाए तो SIT की टीम को गठित करके जांच की जानी चाहिए ताकि ये खुलासा हो पाए कि इनकी पत्नी ने जो जॉब लिया था क्या वो वास्तव में लीगल रूप से लिया गया जॉब है या फिर पैसे के दम पे लिया हुआ जॉब है। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि 4 महीने का प्रेम प्रसंग चला और 4 महीने बाद शादी हुई। शादी के 2-3 महीने अगर यूँ कहा जाए तो ये रिश्ता 1 साल भी नहीं चला। और इस रिश्ते की मजबूती को जरा आप देखिए, 7 महीने की मजबूती 7 लाख रुपए की हो गई और इन 7 महीनों में क्या मोहनी मंत्र मारा गया था। 7 लाख टोटल 15 लाख। अच्छा टोटल कितना पैसा है? टोटल 15 लाख, 14-15 लाख। नहीं, जेवर जात सब कुछ, ट्रेनिंग में जो भी खर्चा हुआ सब जोड़िएगा ना। अच्छा आपका शुरू से लास्ट तक कितने महीनों का रिलेशनशिप था, 1 साल भी रहा या नहीं आपका? नहीं, 1 साल नहीं रहा, 6 महीना बहुत हो गया, 6 महीना 7 महीना। मगर टोटल खर्चा 14-15 लाख, जिसमें हम जेवर जात और जो भी उसका ट्रेनिंग में 1-1.5 लाख-2 लाख रुपया खर्चा हुआ सब दे, वो ऐसे कर्ज उठा करके इससे उससे 2 महीने सबसे हम देते रहे उसके बाद भी इस तरह का घटना हुआ। अभी पैसा घुमाने के लिए क्या कह रही है? पैसा वो बोल रहा हम कुछ नहीं जानते हैं, पैसा वैसा हम नहीं लिए हैं।